नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट मंत्र प्लस में। दोस्तों आपके लिए मैं डेली स्टॉक की वीडियो लेकर आता हूं, जहां मैं आपको दो स्टॉक देता हूं और अगले दिन आपको एक अच्छी प्रॉफिट की उम्मीद होती है, काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में दो स्टॉक दिए थे, चलिए देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही और आज उन्होंने कैसा मूव किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में मैं उसमें भी इंट्राडे की कुछ कॉल पोस्ट करता रहता हूं, उससे आप काफी कुछ सीख सकते हैं और काफी बेनिफिट ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, मैं आपको जो भी कॉल देता हूं, चाहे मेरे टेलीग्राम चैनल की कॉल हो या मेरे यूट्यूब वीडियो की कॉल हो, सभी कॉल्स कैश कैलेबल होते हैं, कोई भी फ्यूचर कैलेबल नहीं होता है। तो आप इस चीज को भी जरूर ध्यान में रखें और सभी कॉल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से होते हैं, तो आप इनको देखें, सीखें, एक अच्छे ट्रेडर बनने की कोशिश करें और कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं देता हूं। अब चलिए देखते हैं हमारा जो पहला स्टॉक था उसकी मूवमेंट आज हमें कैसी देखने को मिली। दोस्तों मैंने आपको जो पहला स्टॉक दिया था गोदरेज प्रॉपर्टी का, गोदरेज प्रॉपर्टी को मैंने आपको बताया था अगर ये 970 के नीचे जाएगा तो इसको हम सेल करेंगे। तो आप देख सकते हैं सेल कॉल तुम्हारी कहीं भी एक्टिवेट हुई नहीं, लेकिन अगर मैं बात करूं बाई कॉल की, मैंने आपको बाई दिया था 981 के ऊपर, जो कि यहां पर इसने ओपन किया 980 पर और इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस था 973 का, तो स्टॉक कहीं भी नीचे आया नहीं क्योंकि इसका ओपनिंग प्राइस इसका लो प्राइस था और इसने अपनी पहली कैंडल में हाई लगाया 992 का। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 989 का, वहां इसको यहां पर इसने काफी आसानी से हिट कर दिया और उसके बाद स्टॉक पूरे दिन एक रेंज में ही था। तो हमें इसमें पहली कैंडल में एक बेहतरीन प्रॉफिट देखने को मिला, काफी आसानी से इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद भी स्टॉक दो तीन पॉइंट और ऊपर गया। तो आशा करता हूं आपको गोदरेज प्रॉपर्टी की मूवमेंट पसंद आई होगी। अब चलिए देखते हैं मैंने आपको जो दूसरा स्टॉक दिया था वो कौन सा था, उसकी मूवमेंट कैसी रही। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, गोदरेज प्रॉपर्टी की मूवमेंट अच्छी लगे हो, तो आप वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाइएगा। चलिए देखते हैं हमारा जो दूसरा स्टॉक था उसकी मूवमेंट कैसी रही। दोस्तों मैंने आपको जो दूसरा स्टॉक दिया था इंडिया होसिंग फाइनेंस का, तो मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम 5 मिनट कर दिया है, तो मैंने आपको इसको बाय दिया था 651 के ऊपर, जो कि यहाँ पर हमारी बाय कॉल एक्टिवेट हुई और अगली कैंडल में इसने हाई लगाया सिर्फ 3.65 का। उसके बाद स्टॉक यहाँ से नीचे आया और इसने यहाँ पर आगे हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। हालांकि इस स्टॉक में बाद में काफी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, बहुत बड़ी मूवमेंट इसमें देखने को मिली, लेकिन वहां इससे पहले इस स्टॉक ने हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस को हिट कर दिया था, इस वजह से हमें इसमें लॉस का सामना करना पड़ा, हमारी सेल कॉल इसमें एक्टिवेट हुई नहीं। तो हालांकि बाद में इसमें स्टॉक में अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, लेकिन उससे पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो ये थे दोनों स्टॉक। अब चलिए देखते हैं मैंने आपके लिए कल के लिए यानी कि थर्सडे के लिए दो स्टॉक सिलेक्ट किए हैं, वो कौन से हैं, उनकी मूवमेंट आपको कैसे देखने को मिल सकती है। उससे पहले अभी तक आपने आप स्टॉक से जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप अकाउंट ओपन कर लीजिए, अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे तो मैं आपको अपने पर्सनल ग्रुप में ऐड करूंगा, वहां पर आपको लाइव मार्केट में इंट्राडे की कॉल्स मिलेंगी, आपको मेरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, तो उससे आप काफी अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा जो पहला स्टॉक है वो कौन सा है। दोस्तों मैंने आपके लिए जो पहला स्टॉक सिलेक्ट किया है कल थर्सडे के लिए, वो है पिडलाइट का। देखिए पिडलाइट ने एक फ्लैग पैटर्न बनाया है, एक बेहतरीन फ्लैग पैटर्न बनाया है, स्टॉक एक रेंज में है, तो अगर अपने इस फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करता है चाहे वो अपसाइड में या डाउन साइड में, यह चीज आपको मार्केट पर छोड़ देनी है। हाँ, आपको इसमें तभी एंट्री करनी है जब स्टॉक उस प्राइस के ऊपर या नीचे थोड़ी देर सस्टेन करेगा। तो पिडलाइट को हम बाय करेंगे 1233 के ऊपर, स्टॉप लॉस होगा हमारा 1225 का, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1240, सेकंड टारगेट 1248, अंतिम टारगेट होगा 1256 का। अगर पिडलाइट नीचे को निकलेगा तो इसको हम सेल करेंगे 1223 के नीचे, स्टॉप लॉस होगा हमारा 1231 का, हमारा फर्स्ट टारगेट 1215, सेकंड टारगेट 1207, अंतिम टारगेट होगा 1199 का। तो दोस्तों ये था पहला स्टॉक, चलिए देखते हैं हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो कौन सा है। दूसरा स्टॉक मैंने आपके लिए जो सिलेक्ट किया हुआ है अजंता फार्मा का। देखिए अजंता फार्मा ने एक बेहतरीन फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ, स्टॉक ने पहली कैंडल में अपने काफी ब्लिश मूवमेंट दिया, उसके बाद स्टॉक पूरे दिन एक चैनल में ही रहा। आप देख सकते हैं स्टॉक बिल्कुल जिगजैग इसने बनाया हुआ है, तो अगर अपने जिगजैग को इस चैनल को ब्रेक करेगा, थोड़ी देर सस्टेन करेगा, तो एक अच्छी मूवमेंट इसमें भी देखने को मिल सकती है। अजंता फार्मा को हम बाय करेंगे 933 के ऊपर, स्टॉप लॉस होगा हमारा 925 का, हमारा फर्स्ट टारगेट 940, सेकंड टारगेट होगा 948, अंतिम टारगेट होगा 956 का। अगर अजंता फार्मा नीचे को निकलेगा तो इसको हम सेल करेंगे 923 के नीचे, स्टॉप लॉस होगा हमारा 930 का, हमारा फर्स्ट टारगेट 916, सेकंड टारगेट 909, अंतिम टारगेट हुआ 901 का। तो दोस्तों आज के बस इतना ही, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे बगल में आप बेल का आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलता हूं आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।